अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर उमर सैयद है और आप सभी का आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डैंड्रफ के बारे में जो है हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। डैंड्रफ के क्या क्या कारण होते हैं, डैंड्रफ का ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों डैंड्रफ होता क्या है? तो दोस्तों डैंड्रफ जो है एक तरह से स्काल्प को अफेक्ट करने वाली क्रॉनिक बीमारी है, जिसमें होता क्या है कि हमारे जो स्काल्प होता है उसमें से जो है सफ़ेद पपड़ियां निकलने लगती हैं और ये सफ़ेद पपड़ियों को ही जो है हम डैंड्रफ कहते हैं। अगर ये डैंड्रफ काफ़ी मात्रा में जो है हमारे सर के ऊपर बनने लगे तो ये जो है सेबोरिक डर्मेटाइटिस का जो है रूप ले लेता है, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन से होने वाली एक बीमारी होती है। और डैंड्रफ जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, स्पेशली सर्दियों के दिनों में, जब ठंडी के दिन होते हैं उस समय जो है डैंड्रफ काफ़ी मात्रा में जो है सर के ऊपर जो है दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों डैंड्रफ यानी कि जो सफ़ेद पपड़ी बनती है उसके क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों हमारी स्किन यानी कि जो हमारी चमड़ी होती है वो हर दिन जो है नए कोशिकाएं जो है बनाती रहती है, यानी कि नए सेल जो है जनरेट होते रहते हैं, बनते रहते हैं। और जो नए सेल बनते हैं ये स्किन के ऊपरी वाले हिस्से पर जो है जाने लगते हैं, और जो डेड सेल होते हैं यानी कि जो मरी हुई जो कोशिकाएँ होती हैं वो चमड़ी के जो है ऊपरी वाले हिस्से पर होती हैं, और ये वाइट फ्लेक्स यानी कि सफ़ेद पपड़ी की तरह जो है दिखती है। नॉर्मली जो है ये जो प्रोसेस होता है ये 30 दिन का प्रोसेस होता है, एक नए सेल से डेड सेल तक जाने के लिए 30 दिन नॉर्मली लगते हैं। और 30 दिन के बाद में जो ये सेल होते हैं जब ये मर जाते हैं यानी कि जब ये डेड हो जाते हैं तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये सफ़ेद पपड़ी का रूप ले लेती हैं और ये आपके स्किन के बाहर से जो है निकल जाती है। ये नॉर्मली सभी के साथ होता है, लेकिन ये इतनी कम मात्रा में निकलती है कि हमारे स्काल के ऊपर जो है ये विजिबल नहीं होती, यानी कि दिखाई नहीं देती है। लेकिन डैंड्रफ के केसेस में ऐसा नहीं होता है। डैंड्रफ में ये जो प्रक्रिया होती है ये 4 गुना जो है फास्ट हो जाती है, यानी कि जो सेल 30 दिन में मरने चाहिए वो जो है 4 दिन से लेके 7 दिन के अंदर जो है मरने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाइट पपड़ी होती है वो ज़्यादा बनने लगती है स्किन के ऊपर। और जब ये ज़्यादा बनती है तो स्किन के ऊपर जो है आपको ये ज़्यादा दिखाई देंगी और जो है ये विजिबल हो जाती है, जिसकी वजह से स्कार्प जो है आपको बहुत ज़्यादा सफ़ेद पपड़ियों से जो है भरा हुआ दिखाई देगा, यानी कि डैंड्रफ से जो है भरा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो और कई सारे जो मरीज होते हैं उनकी स्किन के ऊपर जो है ऑयल ज़्यादा बनता है, यानी कि सीबम का जो सिक्रीजन होता है वो ज़्यादा बनता है, पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि ये आग में जो है घी का काम करता है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है वहाँ पे नमी होना, यानी कि पानी का होना जो कि पसीने के रूप में होता है, और दूसरा है वहाँ पे ऑयल का सिक्रीजन होना जो सीबम के रूप में वहाँ पर मौजूद होता है, और इसी की वजह से जो है वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और पेशेंट को जो है सेबोरिक डर्मेटाइटिस की समस्या से जो है पेशेंट को जूझना पड़ता है। और इसके साथ में जो है पेशेंट को जो है स्किन के ऊपर यानी कि सर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है पैचेस दिखाई देंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ईचिंग वगैरह भी होती है। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को डैंड्रफ की शिकायत है तो ऐसे पेशेंट में जो है लक्षण क्या क्या होते हैं, और इसमें सबसे पहला है पेशेंट को जो है सफ़ेद पपड़ी जो है उसके स्काल्प के ऊपर यानी कि उसके सर के ऊपर दिखाई देगी। ज़्यादातर जब वो काम पे जाता है तो सफ़ेद पपड़ी जब ये ड्राई अप हो जाती है तो आपके जो है कपड़ों के ऊपर जो है गिरने लगती है, आपके बालों में जो है दिखाई देती है। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को सोशली काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, उसे जो है वो छुपाने की कोशिश करता है। जब तक जो है हम इसके जो मेन कारण है उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जो है ये बीमारी पूरी तरह से जो है ख़त्म नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके मुख्य भाग यानी कि इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अगर पेशेंट को वाइट डैंड्रफ है यानी सफ़ेद कलर की जो है पपड़ी निकल रही है तो ऐसे केसेस में जो है पेशेंट थुजा 200 में और नेट्रोमोड 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकता है। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को यूज़ करें। लगभग जो है इसे आपको 2 से 3 महीने यूज़ करना होता है। और अगर पेशेंट को जो है येलो डैंड्रफ है यानी कि पीले कलर का डैंड्रफ हो रहा है तो इस तरह के केसेस में जो है पेशेंट यूज़ कर सकता है काली सल्फ को। काली सल्फ को पेशेंट को यूज़ करना होता है 200 पोटेंसी में, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को यूज़ करें, और इसे भी लगभग जो है पेशेंट 2 से 3 महीने यूज़ करना होता है। और अगर पेशेंट को सेबोरिक डर्मेटाइटिस है यानी कि स्काल्प के ऊपर पैचेस वगैरह हो गए हैं और उसमें जो है डैंड्रफ निकल रहे हैं तो इस तरह के केसेस में जो है पेशेंट यूज़ कर सकता है ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में,
काली सल्फ को भी 200 पोटेंसी में और आर्सेनिक एल्बम को भी 200 पोटेंसी में। ये तीनों दवा को यूज करना होता है स्पेशली सेबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस में। इसे आपको यूज करना है 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, डायरेक्टली ओरली आपको लेना है और इसे लगभग जो है 2 से 3 महीने तक आपको यूज करना है। और इसी के साथ में जो है आप एक शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। श्वाबे कंपनी का एक शैम्पू आता है जिसका नाम है BNT एंटी डैंड्रफ शैम्पू। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस शैम्पू को आप जो है अपने बाल धोने के लिए स्पेशली सुबह में इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। और जैसे भी आपको डैंड्रफ है, चाहे वाइट डैंड्रफ है, चाहे येलो डैंड्रफ है, या फिर जो है आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से डैंड्रफ जनरेट हुआ है आपकी सर के ऊपर, आपको जो भी मैंने दवा बताई है उसे आप यूज़ करें 2 से 3 महीने के लिए, और उसके साथ में इस शैम्पू को जरूर यूज करें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो डैंड्रफ के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद जो मैं घंटी लगी हुई है उसे भी दबाइए ताकि जो है आपको ऐसे ही मेरे जो है वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों जो हूँ मैं लाइव क्लिनिक में आता हूँ हर सोमवार से गुरुवार 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, तो उस दौरान भी जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। या फिर आप जो है मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप जो है कॉल मी 4 ऐप का सहारा ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।